सोनिया जी, आपके गोदाम में तो चावल के बोरे बहुत भरे हुए हैं और आप कह रही हो इस बार राशन ढाई ढाई किलो मिलेगा, जबकि पांच पांच किलो राशन एक एक आदमी को हर महीने मिलता है। अरे मोदी जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस अनाज के बोरों को मुझे अपने घर रखना हो। ये सारे के सारे अनाज के बोरे गाँव वालों को ही तो बांटना है। अब इस बार अनाज ऊपर से ही कम आया है तो मैं क्या करूँ। हर महीने तुम्हें पांच पांच किलो अनाज मिलता है लेकिन इस बार आधा अनाज आया है, तो ढाई किलो अनाज से ही काम चलाओ। सोनिया जी, आपने तो कह दिया कि ढाई किलो अनाज में काम चलाओ, इस ढाई किलो चावल से क्या होगा। अरे मोदी जी, गमछे को सही से फैलाओ, पूरी भीड़ लगी हुई है राशन लेने वालों की। जल्दी से अपने गमछे में इस चावल को रखो और जाओ। आपको एक बार सोनिया जी का कहना समझ में नहीं आ रहा है, इस बार राशन ऊपर से ही कम आया है इसीलिए सबको कम कम राशन दिया जा रहा है, तुम्हें अकेले ही कम राशन थोड़ी दिया जा रहा है। मायावती जी, तुम तो ज्यादा बोलो मत, तुम्हारा काम इस राशन को तोल कर गाँव वालों को देने का है। मैं बात सोनिया जी से रहा हूँ। सोनिया जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इस ढाई किलो चावल में एक महीने में मैं क्या कर लूंगा। अरे पांच किलो राशन मिलता है वो तक हमें पूरा नहीं हो पाता है और आप हमें ढाई किलो राशन दे रही हो ये। अरे मोदी जी, आप बात को समझ नहीं रहे हो, इस बार राशन थोड़ा कम आया है, अगली बार आपको राशन ज्यादा मिलेगा। ढाई किलो जो इस बार कम मिल रहा है वो भी मिलेगा और पांच किलो जो मिलता है वो भी मिलेगा, यानी कि अगले महीने तुम्हें 7.5 किलो राशन मिलेगा। राहुल तो पूरे दिन खड़ा रहता है, कुछ देर मायावती जी का हाथ बटा दिया कर, वो अकेले ही पूरे गांव वालों को राशन तोल कर देती हैं। मम्मी जी, मेरा काम ये देखने का है कि मायावती जी ज्यादा राशन तोल कर तो नहीं दे रही है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं राशन तोल कर दूं। और मोदी जी, आपने सुन लिया मम्मी जी ने क्या कहा, अगली बार आपको राशन ज्यादा मिलेगा, इस बार ऊपर से ही राशन कम आया है। चलो सोनिया जी और राहुल, तुम लोग कह रहे हो कि अगली बार राशन ज्यादा मिलेगा तो तुम्हारी बात का विश्वास कर लेती है। हमारे पास विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता थोड़ी है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे केजरीवाल, अपनी बस को रोक लो, यहीं पे रोक लो अपनी बस को। बोलो मोदी जी, क्या बात है, पहले बताओ तो क्या बात है। आप ये साइकिल पर पीछे दो बोरे रखे हुए हैं और एक बोरा सर पर रखे हुए हैं, इन बोरों को लेकर कहाँ जा रहे हो। तुम तो साइकिल से कहीं पे जा रहे हो, मेरी बस रुकवा कर क्या करोगे। अरे केजरीवाल जी, मैं अनाज के दो बोरे साइकिल पर पीछे रखकर और एक बोरा अपने सर पर रखकर शहर में मंडी में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ इस अनाज को। अब ये घर से तो मैं तेजी में निकल आया लेकिन अब पता चल रहा है कि इन बोरों में तो बहुत वजन है, मैं साइकिल से इन तीन बोरों को शहर तक मुश्किल से ले जा पाऊंगा। इसीलिए अपनी बस को रोक लो, मेरी साइकिल और अनाज के बोरों को बस के ऊपर छत पे रख लो और मैं छत पर ही बैठकर चला जाऊंगा। देखो मोदी जी, एक बात तो मैं साफ साफ आपसे कह देता हूँ, एक तो मेरी बस पहले से ही सवारियों से ओवरलोड है, बस के अंदर तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। अरे केजरीवाल, तो मैं बस के अंदर बैठने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, बस के ऊपर छत पर बैठने के लिए कह रहा हूँ, सारा सामान ऊपर छत पर रखवा दो। अरे मोदी जी, ये जवान से बोलना बहुत आसान है, जरा करके देखो तो पता चलेगा, इतने भारी भारी अनाज के बोरे बस के ऊपर कौन रखेगा। और फिर आपकी साइकिल भी है, ऐसा है जैसे इस साइकिल से अनाज के बोरों को शहर लेके जा रहे हो वैसी चले जाओ, मैं तो इस बस को नहीं रोकूंगा। केजरीवाल जी, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, मोदी जी की साइकिल पर इतना वजन है और एक बड़ा सा अनाज का बोरा उनके सर पर भी रखा हुआ है, फिर भी तुम अपनी बस पर इनके अनाज के बोरे और साइकिल को नहीं रखना चाहते हो। लालू जी, बात तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, केजरीवाल जी इतने सख्त आप कैसे हो सकती हो। केजरीवाल जी, मैं उतर जाता हूँ आपकी बस से, लेकिन मोदी जी को बैठा लो। ऐसा है, तुम सब लोग ज्यादा तो बोलो मत, एक तो मैंने तुम सब लोगों को बस में बैठा लिया, ऊपर से आप सब लोग मोदी जी को इस बस में बैठाने की सिफारिश कर रहे हो। केजरीवाल जी, अगर आपने हमें बस पे बैठा लिया तो फ्री में बैठा लिया, पैसे नहीं देंगे हम, किराया नहीं देंगे बस में बैठने का। ऐसा करो लालू जी, योगी जी, राहुल, अपने सब लोग उतर जाते हैं, रोको केजरीवाल अपनी बस को। अरे अखिलेश, चुप रहो, मत भड़को तुम इस बस से सब लोग मत उतरो, मैं जिस तरीके से साइकिल से शहर में मंडी में जा रहा हूँ उसी तरीके से चला जाता हूँ, तुम बस से मत उतरो। केजरीवाल जी मुझे नहीं बैठाते, मत बैठाने दो, इनकी बस इन्हीं को मुबारक हो, मेरे पास तो साइकिल है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, तुम्हारी क्या बस की बात है, जितनी देर तक मैं लट्टू को नीचे नचा सकता हूँ जमीन पर, उतनी देर तक लट्टू को तुम जमीन पर कभी भी नचा कर नहीं दिखा सकते। देखो 5 मिनट होने को जा रहा है, मेरा लट्टू अभी भी जमीन पर नाच रहा है और तुम्हारा लट्टू मुश्किल से 2 मिनट में ही थरथरा के नीचे गिर जाता है। अरे जाओ मोदी जी, आज लट्टू नचाने के खेल में मैं ही जीतूंगा,
देख लेना। लेकिन राहुल अभी तक तो तुम जीते नहीं हो, कब जीतोगे? राहुल तुम और मैं दोनों लोग लट्टू के खेल में मोदी जी से जीत ही नहीं सकते। मेरा लट्टू देखो एक ही मिनट में नीचे गिर गया नाच कर। क्यों नहीं जीत सकते योगी जी, कोई तो वजह होगी। तुम और मैं मोदी जी से लट्टू के खेल में क्यों नहीं जीत सकते? देख रहे हो राहुल, मोदी जी का लट्टू कितना भारी है और मेरे और तुम्हारा लट्टू छोटे छोटे है, इसीलिए वो ज्यादा देर तक नाच ही नहीं पाते जमीन पर। तुरंत एक डेढ़ मिनट में दो मिनट में गिर जाते हैं। मोदी जी का लट्टू भारी है, वो काफी देर तक नाचता रहता है। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, ये भारी वाला लट्टू मोदी जी लाए कहाँ से? ये अपनों को नहीं मिल सकता है? राहुल कभी नहीं मिल सकता तुम्हें, इस बात की गारंटी है। मैंने इस लट्टू को अखिलेश कारपेंटर से स्पेशल तरीके से लकड़ी से बनवाया है। लेकिन केजरीवाल तुम कैसे बैठे रहते हो, तुम अपना लट्टू क्यों नहीं लाते? तुम्हारे पास एक लट्टू था तो रोज नचाते थे तुम, कहाँ गया वो लट्टू? अब मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम लट्टू नचाते ही नहीं हो, यहाँ आके हमारे लट्टू का नाच देखते रहते हो। मोदी जी मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरा एक लट्टू था वो जो मेरे पीछे लालू जी खड़े हैं, इन्होंने मजाक मजाक में गांव के तालाब में फेंक दिया। अब मैंने पूरा तालाब खंगाल मारा लेकिन वो लट्टू मिल ही नहीं रहा, तो क्या करूं? लट्टू का नाच देखने का मुझे बहुत शौक है, तुम्हारा ही आकर लट्टू का नाच देख लेता हूं। अब दूसरा लट्टू खरीदने के लिए मेरे पास पैसे है नहीं, जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो दूसरा लट्टू खरीद लूंगा। लेकिन इस बात की गारंटी है मैं पैसे ज्यादा इकट्ठे कर रहा हूँ, अखिलेश से आप ही की तरह बड़ा लट्टू बनवाऊंगा और आपको लट्टू के नाच में हराऊंगा। केजरीवाल जी मुझे नहीं लगता आप लट्टू के खेल में मोदी जी को हरा दोगे, कितना ही बड़ा लट्टू बना लो लेकिन इस लट्टू के खेल में तुम मोदी जी को हरा ही नहीं सकते, क्योंकि सारा काम लट्टू का थोड़ी होता है। लट्टू को अच्छी तरीके से नचाना भी आना चाहिए, जो मोदी जी को अच्छी तरीके से आता है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।